गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट से सेक्शन है सिविक्स के चैप्टर 6 को आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी में पॉपुलर पार्टिसिपेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग में क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर इन पॉपुलर्स एंड सिटीजन्स आर इनडिफरेंट टू द पोलिटिकल पार्टीज। कहा जाता है कि पहले जितनी पोलिटिकल पार्टीज लोकप्रिय थी, अब धीरे धीरे उनको लोकप्रियता में कमी आ रही है। लेकिन ये जो एक डाटा सर्वे दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। द सिटीजन्स आर इन डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज द अवेलेबल एविडेंस शो दैट दिस बिलीफ इज पार्सली ट्रू फॉर इंडिया। जो सर्वे दिखाया गया, इसमें जो डाटा दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया कि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी का लोगों का विश्वास ऐसा नहीं कि बहुत कमा है, बढ़ा ही है। द एविडेंस बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ लार्ज सैंपल सर्वे कंडक्टेड ओवर सेवरल डेकेड्स, कई वर्षों कई दशकों तक एक सर्वे करने के बाद एक जो डाटा निकाला गया, इसके आधार पर पूरे वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। साउथ इंडिया, साउथ एशिया से लेकर के पूरे वर्ल्ड में हम देख सकते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट एन्जॉय मच ट्रस्ट एमोंग द पीपल इन द साउथ एशिया। एक डाटा बताया गया है कि साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के देशों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं पहले, जिसे लोग अब उस पर विश्वास नहीं करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु आर से देयर ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मच आर नॉट ऑल इज मोर देन दोज हु सम आर ग्रेट ट्रस्ट। तो कहने का मतलब कि वैसे लोग संख्या ज़्यादा थी, एक डाटा में पाई चार्ट में देख सकते हैं इसमें, कि वैसे लोग 23% लोगों ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी में विश्वास करते हैं, एंड 43% लोगों ने कहा कि वी डू नॉट ट्रस्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, और 20% लोगों ने कहा कि वी डू नॉट नो, हम नहीं, बिल्कुल जानते ही नहीं उसके बारे में। ये डाटा हमें दिखाया गया। एट द सेम टाइम इट इज़ ट्रू ऑफ द मोस्ट अदर डेमोक्रेसी एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टी आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर दुनिया के अन्य देशों में देखा जाए, खासकर जितने भी लोकतंत्र हैं, वहाँ पर स्थिति में बदलाव हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी को लोग ट्रस्ट कर तो कमा है पहले की अपेक्षा। येट द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वॉज फेयरली हाई। इसके बावजूद लोगों का पॉलिटिकल पार्टी में भाग लेने के जो रेशियो है पहले की अपेक्षा बढ़ा है। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु सेड दे वेयर मेंबर ऑफ द सब पॉलिटिकल पार्टी वॉज हायर इन द इंडिया देन मेनी एडवांस कंट्री लाइक कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया। तो भारत में कहने का मतलब है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा सारे उसके सदस्य लोग बने हैं उसके किसकी अपेक्षा, खासकर कनाडा, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया जैसे विकसित देशों की अपेक्षा में भारत में पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने हैं, उसके मेंबर ज़्यादा बने। ओवर द लास्ट 3 decades द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज़ ग्रोन अप स्टीडली। तो पिछले तीस सालों में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों की संख्या भारत में धीरे धीरे बढ़ी। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ ऑल्सो गोन अप इन इंडिया इन दिस पीरियड। और इस समय पिछले 30 सालों में, कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा नज़दीक हैं, वैसे लोग की संख्या भी ज़्यादा बढ़ी है। यू कैन सी इन द डाटा डिस्पाइट फ्लक्चुएशन पार्टी पार्सली आइडेंटिफिकेशन हैज़ गोन अप इन इंडिया। दोज हु फील क्लोज टू एनी पोलिटिकल पार्टी, इसमें हम डाटा जैसे भारत के संदर्भ में दिखाया गया है, 1971 में 38% था,
1996 में जा करके 31% हो गया, और आपका 1999 में 38%, 24 में 53%। यानी कहने का मतलब है, ये आंकड़ा जो है कहने का मतलब है कि जो लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, घटा भी है तो बहुत कम घटा है, फिर बढ़ भी गया है। द पार्टी मेंबरशिप हैज राइजेज इन इंडिया। तो पार्टी के बहुत लोग सदस्य उसके बने भी हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसमें एक आप देख सकते ग्राफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। 1967 में लोक संख्या कम थी, धीरे धीरे 71 में बढ़ा, फिर 96 में भी बढ़ा, 99 और 2004 में हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है। दोज से दैट मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, वैसे लोक संख्या बढ़ी है जो कहते हैं हम किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके सदस्य बन गए, यानी उसके समर्थक बन गए। पार्टी मेंबरशिप इज हायर इन साउथ एशिया देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के अन्य देशों में अगर हम देखें, कहा गया है कि पार्टी मेंबरशिप जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, तो दक्षिण भारत एशिया में देखा जाए तो वैसे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो 9.1% लोग ही जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, ग्लोबल एवरेज पूरे वर्ल्ड का एवरेज है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो साउथ एशिया में वैसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नंबर वन इज तंजानिया एंड नंबर सेकंड इज बांग्लादेश। तंजानिया में 26.2% लोग किसी न पोलिटिकल पार्टी के सदस्य थे, और बांग्लादेश में 23.5%। अगर भारत संदर्भ में देखा जाए तो 11.4% है, स्वीडन के संदर्भ में देखा जाए तो 10.3% लोग ही पॉलिटिकल पार्टी सदस्य हैं, जापान में देखा जाए तो 9.5%। यानी दुनिया के अन्य देशों में देखा जाए तो धीरे धीरे घट ही रहा है, यानी ग्लोबल एवरेज 9.1% का है। इसमें इस तरह देख सकते हैं कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के देशों में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई सदस्य है, इस तरह हमें देखने मिलता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।